इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग. नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा. आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री. और आने वाले दिनों में और साल के अंत तक कैसी होगी नॉन एग्री और एग्री कमोडिटीज की चाल, किस कमोडिटी में बेहतर रिटर्न मिलेंगे और निवेशकों को फायदा होगा, कीमतों को लेकर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या व्यू निकल कर आ रहा है, इन सभी पर हमारा फोकस रहेगा आज के शो में. और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इमीडिएट और स्लाइटली ब्रॉडर आउटलुक पर्सपेक्टिव से आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए. एजी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता हैं. chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगेरे हमारे साथ मौजूद हैं. हम शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के साथ. आर्ट्स के बेसिस पे क्या रेंज निकल कर आ रही है उस पर करते हैं बातचीत. विकास, बताइए पहले तो गोल्ड पर अगले कुछ दिनों की बात करें या स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें, क्या रेंज आप नियर टर्म स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और क्या सजेशंस आप देंगे क्लाइंट्स को? जी दीपाली जी, गुड इवनिंग. पहले तो देखिए, गोल्ड में अभी भी मोमेंटम बुलिश है क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट जो गोल्ड के हैं वो पॉजिटिव टेरिटरी में है, तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति है गोल्ड पे. डेली चार्ट्स में, टेक्निकल चार्ट्स में अगर मैं देखूं तो 59,500 का इसका डेली चार्ट में प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन था, जिसको अभी दो तीन दिन आगे इसने रिटेस्ट करके वहां से एक स्ट्रांग बाउंस बैक दिया है. तो जैसा कि अनुज जी ने भी बताया कि ये $2,000 का जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड है वहां पे एक रेजिस्टेंस है. तो गोल्ड अभी टेक्निकल चार्ट्स पे 60,500, 60,600 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस प्ले करेगा. तो शॉर्ट टर्म पे बात करूं तो बाई ऑन डिप्स ही रहेगा. 59,800, 60,000 के करीब मिलता है तो इसको बाई करना है. जब तक 59,500 के ऊपर गोल्ड है तब तक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा शॉर्ट टर्म पे. शॉर्ट टर्म पे 60,800 और 60,950 तक का टारगेट गोल्ड पे देखने मिल सकता है. और अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 2000 का जैसे ही रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा इंटरनेशनल मार्केट पर, उसके ऊपर सस्टेनेबल करके क्लोजिंग देगा तो 2022 और $2,050 तक गोल्ड जाता नजर आएगा. तो हम लोगों के एमसीएक्स में ये 61,400 और 61,800 तक जाता नजर आएगा. तो जैसा कि अगर ईयर एंड तक बात करूं तो 61,500 तक का टारगेट दिख रहा है और शॉर्ट टर्म पे 60,900 तक का टारगेट दिख रहा है. लोअर लेवल पे बाइक की सलाह रहेगी जब तक 59,500 का सपोर्ट ही नहीं टूटता है. ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं सिल्वर की. सिल्वर भी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में वापस थोड़ा सा सर्ज होते हुए देखा है. बेस मेटल्स का भी यहाँ पर रोल प्ले हुआ है जहाँ पर हमने बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है. और अगर घरेलू बाजार की बात करें तो यहाँ भी प्राइसेस 72,000 के आसपास आए हैं.